नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहे हैं IP कैमरे को परचेज करने के लिए, तो यह वीडियो उन सभी के लिए है जो IP कैमरे में खासकर हिकविजन में कन्फ्यूज हो रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि 2MP में क्या क्या ऑप्शन आपके पास हिकविजन में फिलहाल बचे हैं, कौन से मॉडल नंबर जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं, उसको आप नहीं ढूंढिए तो बेहतर होगा, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इस पर मैं आज बात करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके घर के लिए कौन सा IP कैमरा बेस्ट रहेगा 2MP में, आज उससे रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका जो भी सवाल है वो। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल लाइन में जो पहला ऑप्शन बचता है, ले दे के बचता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैमरे हैं बट अब वो सारे बंद हो चुके हैं, तो ले दे के जो ऑप्शन बचता है, जो सबसे सस्ते सीरीज में 2MP में हिकविजन में है, DS-2CD1023GOE-i, ये सबसे निचला स्तर का कैमरा है 2MP में हिकविजन का। इससे नीचे का फिलहाल अवेलेबल नहीं है, 1MP के हैं बट वो आउटडेटेड हो चुके हैं। 2MP में यही है, ये आपका बुलेट कैमरा है, इसी में डोम आता है DS-2CD1323GOE-i। इसके फीचर्स वगैरह समझ लीजिए, DWDR है, 3D DNR है, BLC है, HLC है, WDR नहीं है, ये जरूर क्लियर रखिएगा। इसके साथ साथ इसमें स्लो शटर है और शटर स्पीड भी है, जो कि IP कैमरे में अमूमन आपको देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, इसमें ONVIP प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे ब्रांड के NVR में भी चलेगा जिसमें कि ONVIP सपोर्ट करता है। ONVIP का जो प्रोफाइल है वो S है, और S प्रोफाइल वाले जो सपोर्ट करते हैं जिस NVR में, कोई भी ब्रांड का हो, उसमें यह चलेगा। IP67 की रेटिंग और H.265 वीडियो कंपेरिजन है। इसके अलावा और भी कई फीचर है, इस कारण से यह कैमरा सस्ते में और बेस्ट ऑप्शन में देखा जाता है। इसके बाद आता है ऑडियो इनबिल्ट वाला कैमरा। ऑडियो इनबिल्ट वाले कैमरे में जो सीरीज अभी चल रहे हैं, DS-2CD1023GO-IU, यानी कि ये यू सीरीज है, ये आपका बुलेट है, इसी में DS-2CD1323GO, यानी जीरो होता है, ओ बोलने की आदत होगी, -IU, ये भी आपका ऑडियो इनबिल्ट वाला है। इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, मैं जो भी मॉडल नंबर बता रहा हूँ, DS-2CD1010 के बाद या फिर 13 के बाद जो आता है वो कैमरा का मेगापिक्सल है, तो DS-2CD102 2 मेगापिक्सल, DS-2CD10 यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 4MP का, तो ये जरूर क्लियर रखिएगा, ठीक है। उसी सीरीज में 4MP 6MP के भी आते हैं। तो चलिए, ऑडियो इनबिल्ट में क्या फीचर्स है वो समझ लीजिए। इसमें आपका ऑडियो रिकॉर्ड होगा, माइक है, इसके साथ साथ आपका शटर स्पीड है, DWDR है, अगर आप 2MP के ऊपर जाते हैं तो इसमें आपको WDR भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ONVIP का प्रोटोकॉल S और G भी सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ H.265 वीडियो कंपेरिजन है, और भी कई फीचर्स हैं जो कि आपका ऑडियो इनबिल्ट में सस्ते में ये वेरियंट आपको मिलता है। इसके बाद जो सबसे बेस्ट मैं कहूँ सिंगल लाइन में, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, यह कैमरा आपका ऑडियो इनबिल्ट भी है प्लस माइक्रो SD कार्ड भी सपोर्ट करते हैं, जो कि सिंगल लाइन में देखने को नहीं मिलते थे। ये हाल ही में दिसंबर में कैमरा लॉन्च हुआ है, IUF सीरीज इसको कहते हैं, DS-2CD1023GO-IUF, ये आपका बुलेट है, DS-2CD1323GO-IUF, ये आपका डोम कैमरा है। इसमें आपको शटर स्पीड मिलता है, DWDR मिलता है, अगर 2MP के ऊपर जाते हैं तो WDR भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ANR टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि अगर आप माइक्रो SD कार्ड लगाते हैं, अगर किसी कारण से NVR में पिक्चर जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो स्टोरेज जो माइक्रो SD कार्ड आपने लगाया है कैमरे में, वहाँ पर स्टोर करेगा। यह ANR टेक्नोलॉजी है, 256GB का SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट नॉइस फिल्टर है, यानी कि क्लियर साउंड आपको देखने को मिलेगी। ROI भी इसमें दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। सेकेंड लाइन के ये सारे फीचर्स हैं, जो कि आपके सिंगल लाइन में ये सारे बेस्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसके बाद आपके डबल लाइन में जो बेस्ट ऑप्शन फिलहाल मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद कलर व्यू और एक्यूसेंस की बात आती है जो कि महंगे होते हैं, तो फिलहाल जो ऑप्शन है सेकेंड लाइन में, DS-2CD2123GO-IU, इसी में आपका DS-2CD2143GO-IU और DS-2CD2163GO-IU, यानी कि 2, 4 और 6MP के ये कैमरे हैं। सबसे बड़ी बात, ये वंडल प्रूफ है, इंडोर लगाइए आउटडोर लगाइए बेस्ट है,
मजबूत है, फीचर्स काफी बेहतरीन है। H.265 वीडियो कंपैरिजन, ऑडियो इनबिल्ट, फेस डिटेक्शन जो कि सेकंड लाइन का सीरीज है, इंट्रूजन डिटेक्शन, लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, ROI फीचर्स है, ANR टेक्नोलॉजी है, इसके साथ साथ वन की रिसेट है, IP67 की रेटिंग है, IQ10 यानी कि IQ10 सबसे मजबूत वेरियंट होता है। इसका जो ग्लास होता है इस वंडल प्रूफ का, क्योंकि वंडल प्रूफ मतलब कि कितना भी मजबूत चीज से इसको तोड़िए ये नहीं टूटेगा, अनब्रेकेबल कह लीजिए, टेम्पर प्रूफ भी कह लीजिए, तो बेहतरीन है। तो IQ10 से जो है ये सर्टिफाइड, इस पर मैंने वीडियो बनाया था ये क्या होता है, ठीक है। WDR है, 3D DNR है, ऑटो आयरिस F1.6 है, H.265 वीडियो कंपैरिजन, इसके अलावा भी काफी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये बेस्ट ऑप्शन आपके सेकंड लाइन में बसता है। तो ये जो मैंने मॉडल आपको बताया, इस मॉडल को आप चूज कीजिए, मार्केट में अवेलेबल भी मिलेंगे और यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी आपके लिए है। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप सभी के लिए काफी जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे आपके माइंड में वो क्लियर कर चुका है कि कौन से कैमरे आपको परचेस करनी चाहिए। और रही बात प्राइस से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसके प्राइस भी प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।